हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द क्लॉक। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है और मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और ऑडियंस ने भी इसे काफी ज्यादा पसंद किया है। ये मूवी प्रेगनेंसी हॉरर से रिलेटेड है और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटोज पर ये मूवी 79% फ्रेश है। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो लेडी किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वो एक झूले पर खड़ी होती है। उसके कपड़े खून से सने हुए होते हैं और जमीन पर भी काफी ज्यादा खून बिखरा हुआ होता है और उसे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। और थोड़ी ही देर में वो लेडी उसे झूले के चैन को अपने गले में लपेट कर खुद को फांसी लगा लेती। सीन शिफ्ट होता है और हम एला को देखते हैं जो कि इस मूवी का लीड रोल है। एला अपने फ्रेंड्स के साथ में किसी पार्क में होती है और पूरे समय उसके फ्रेंड्स सिर्फ बच्चे पालने और फैमिली बढ़ाने की बातें कर रहे होते हैं और वो एला से पूछती है कि एला अपनी फैमिली कब बढ़ा रही है, लेकिन एला को तो बच्चे पैदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और एला अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ में बहुत ही खुश होती है। एला पेशे से एक आर्किटेक्ट होती है और उसे कुकिंग में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एला प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बॉडी चेंजेस से बहुत ही ज्यादा घबराती थी और उस पेन से भी। एला अपने फ्रेंड्स के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं किया करती थी क्योंकि समाज उन औरतों के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है जिनके पास बच्चे नहीं होते। और नेक्स्ट सीन में हम एला को एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास में देखते हैं जो कि नॉर्मल चेकअप के लिए गई हुई होती है, जिसे एला के हस्बैंड ने रिकमेंड किया हुआ होता है। और वो एला से सवाल करती है क्या उसे बच्चे चाहिए। तब एला कहती है कि शायद वो इसके लिए तैयार नहीं है और कभी उसका मन भी नहीं करता। और वो डॉक्टर उससे कहती है कि शायद एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और हर किसी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है और शायद उसका बायोलॉजिकल क्लॉक टूट चुका है और ये फिक्स भी किया जा सकता है। और उससे पहले तो एला की जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन तभी से एला की जिंदगी बदल जाती है उस डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद। नेक्स्ट सीन में हम एला को देखते हैं जो कि अपनी फोटो मैगजीन पे छपने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये बात वो सोशल मीडिया पे शेयर करती है, लेकिन उसके बाकी के फ्रेंड्स और उसके उम्र के साथी सिर्फ बच्चा करने की खुशी को शेयर कर रहे होते हैं। और एला ये सब कुछ देखकर बहुत ही उदास हो जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या बच्चे पैदा करना इतना इम्पोर्टेंट है। शाम को एला किचन में होती है और वो अपने फादर के लिए कुछ बना रही होती है और हम एला के हस्बैंड एडन को एला के फादर के साथ में देखते हैं जो कि एला के फादर को ढेर सारा पैन गिफ्ट करता है। और वहां पर भी एला के फादर बच्चों के होने की इम्पोर्टेंस के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें बिग फैमिली पसंद है और ये उनके एंसेस्टर्स की देन है। और एला के फादर एला को कोसते हैं कि एला के डिसीजन के वजह से उनका सर सोसाइटी में झुका हुआ है। और एला अपने फादर की ये सारे बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और एला गुस्से में डाइनिंग टेबल छोड़कर चली जाती है। और रात में एला और एडन जब एक साथ होते हैं तब एला एडन की बातें सुनकर शॉक्ड रह जाती है कि अब उसे भी बच्चे चाहिए। तब एला एडन से कहती है कि वो 38 साल की हो चुकी है और अब वो माँ बनने के लायक नहीं है क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। एडन एला से नाराज हो जाता है कि एला उसकी बात समझ नहीं रही। एला एडन के पास से चली जाती है और अपने काम में जुट जाती है। तभी उसे उस गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर मिलता है जिसने उससे कहा था कि एला का बायोलॉजिकल क्लॉक टूट चुका है और वो फिक्स भी किया जा सकता है मेडिकेशन और थेरेपी के हेल्प से, और ये सिर्फ एक हार्मोनल प्रॉब्लम है और मेडिकेशन के बाद से उसकी सोच बिल्कुल बदल सी जाएगी। एला दूसरे ही दिन एडन को गुड बाय बोलकर घर से निकल जाती है कार से, और वो एडन से बताती है कि वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जा रही है और वो एडन से इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। और हमें ये पता चलता है कि एला ने अपनी आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को भी छोड़ दिया है। और हम एला को बैग वगैरह लेकर जाते हुए देखते हैं क्योंकि एला ने डॉक्टर वेबर के क्लिनिक के ट्रायल में भाग लेने के लिए डिसाइड किया था। और वहां पर जो औरतें फिजिकली डैमेज होती है उन्हें सही मेडिकेशन देकर प्रेगनेंसी के लायक बनाया जाता है और शायद एला की ट्रायल हफ्तों तक चलेगी। और वहां पर वो डॉक्टर एलिजाबेथ सेमन से मिलती है जिसने वो थियोरी इन्वेंट किया होता है। और तभी से एला अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स करने की सफर को शुरू करती है। डॉक्टर एलिजाबेथ उसे भरोसा दिलाती है कि कुछ दवाइयों की मदद से उसका बच्चों के लिए मन बदल जाएगा और डॉक्टर एलिजाबेथ उसे कुछ दवाइयां देकर चली जाती है। शाम को एला जब खाना खाने के लिए जाती है तब वो वहां पर कुछ औरतों को देखती है जो कि बिल्कुल खामोश सी होती है और एला वहां पर बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है और उसे वहाँ की सर्विस भी पसंद नहीं आ रही थी।
एला चाइल्ड बर्थ की पेन से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइड होती है। थेरेपी सेशंस के दौरान एला को ये समझ में आता है कि उसकी प्रॉब्लम की रूट उसके फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि जब डॉक्टर एलिजाबेथ टेबल पर कुछ कार्ड्स रखती है तब एला को उसमें से कुछ चीजें निकलती हुई दिखती और शायद ये उन मेडिसिन की वजह से हो रहा था उसके साथ में। और उन्हीं कार्ड में से एला को एक लंबी सी औरत नजर आती है, एक स्पाइडर की फैमिली और उसके ग्रैंडफादर की एक क्लॉक, और वह सब उसे हैरान कर रही थी। और उसके बाद से ही वो बहुत ही ज्यादा हेलुसिनेट करने लगती है। और एला के ग्रैंडफादर के क्लॉक की टिक टिक जो कि उसे उसकी नाकामयाबी को याद दिलाती थी, और एला के लिए वो क्लॉक किसी कब्र से कम नहीं थी क्योंकि वो उसे बचपन से देखती आ रही थी जो कि उसके एंसेस्टर्स की हॉरिबल लाइफ को दर्शाता था वॉर के दौरान। एला एक ज्यूश फैमिली से बिलोंग करती थी जिसकी फैमिली वॉर सर्वाइवर थी, और उसकी ग्रैंडमदर तब यूनाइटेड स्टेट्स भाग आई थी और वहीं पर वो सेटल हो गई और उन्होंने शादी कर ली और बच्चे पैदा करके अपनी पीढ़ी को भी आगे बढ़ाया। और एला उस पीढ़ी को वहीं पर खत्म करने का काम कर रही थी बच्चे पैदा ना करके। और सेकंड कार्ड में स्पाइडर फैमिली का मतलब उसके जहन में था कि वॉर के दौरान उसकी फैमिली की लाशें जो कि एक के ऊपर एक गंजी हुई थी उसके लिए यही दर्शाता है। थेरेपी के बाद वो ब्लैक टॉल वुमन अक्सर उसे हॉन्ट करने लगी क्योंकि एला अपनी ग्रैंड मदर की सारी मेहनत पर पानी फेर रही थी। एला उन मेडिसिन को लेकर इतनी ज्यादा डिल्यूजनल हो जाती है कि उसकी रियलिटी ब्लर हो जाती है। और हफ्ते के लास्ट दिन पर डॉक्टर एलिजाबेथ एला के अंदर कुछ इम्प्लांट करती है जिसके बाद एला अपने घर वापस चली जाती है। तभी रास्ते में एला को फिर से उसकी ग्रैंडमदर हॉन्ट करने लगती है और वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी वो देख रही है वो उसका वहम है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। एला लगातार मेडिसिन ले रही थी इसलिए उसके डिल्यूजन बढ़ते ही जा रहे थे। एला को खाने पीने में कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था सिवाय फ्रोजन एग्स के, वो कच्चे अंडे पसंद करती थी। और उसे कलर्स भी समझ नहीं आ रहे थे, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट और कलरलेस दिख रहे थे। एला के फ्रेंड ने जब एला को अपने बेबी का रूम ऑल्टर करने के लिए कहा तब एला ने उसके बेबी का रूम बिल्कुल शमशान घाट की तरह डिजाइन कर दिया। तब उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है एला के कारनामे से और वो कहती है कि एला को क्या हो गया है। तब एला उसके बच्चे के पीछे पड़ जाती है और उसका पीछा ही नहीं छोड़ती और एला बिल्कुल पागल सी हो जाती है। तब एक औरत एला को घसीट कर घर से बाहर कर देती है और तब से एला के मन में भी एक ख्याल उठने लगता है कि वो भी माँ बनना चाहती है। और उसी वक्त एला को अपने फादर के तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आता है और एला उनसे मिलने के लिए चली जाती है। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तब वो अपने फादर को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। एला उनकी हेल्प करती है उन्हें वापस से बैठाने के लिए। और एला के फादर बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एला के चॉइस पर सवाल उठाया और उन्होंने एला को शर्मिंदा किया और उन्होंने अपने सपने में देखा कि उनकी पूरी फैमिली लाइन उन्हें अपने साथ लेने से इनकार कर रही है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को गलत ठहराया। और वो समझ जाते हैं कि एला को हक है कि वो अपने ट्रेडिशन को बदल सकती है और वो जो चाहे वो बन सकती है। और ऐसा करके वो खुद की एक नई कहानी लिख रही थी जिसमें प्यार और खुशियां होगी। और अब वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कंसर्न थे लेकिन एला ने अपने फादर को खुश करने के लिए पहले ही बहुत बड़ा कदम उठा लिया था और वो बहुत दूर जा चुकी थी और वो अपने कदम पीछे भी नहीं खींच सकती थी। एला के फादर को एला की बहुत ही फिक्र हो रही थी और वो चाहते थे कि वो खुश रहे। लेकिन तभी एला को घड़ी की टिक टिक फिर से सुनाई देने लगती है। एला का दिमाग बिल्कुल खराब होने लगता है और वो गुस्से में घड़ी को जमीन पर फेंक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एडन को देखते हैं जो कि एला को काम डाउन कर रहा था क्योंकि एला के हाथ खून से लथपथ थे। और जैसे कि डॉक्टर एलिजाबेथ ने एला को एडन से दूरियां बरतने के लिए कहा हुआ होता है और वो बर्त भी रही थी, लेकिन मेडिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही उसी दिन एला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो प्रेग्नेंट होने के लिए एडन के साथ में इंटीमेट होती है। और तभी एडन हर्ट हो जाता है एला के बॉडी के अंदर उस इम्प्लांट की वजह से और एला तब एडन के लिए फर्स्ट एड ढूंढने लगती है। और तभी एडन उसे अपने बैग में फर्स्ट एड है ऐसा बताता है। और एला जब उस बैग पर वही इन्फिनिटी का निशान देखती है जो उसने डॉक्टर एलिजाबेथ के क्लिनिक में देखा हुआ होता है तब वो एडन से पूछती है कि क्या वो उन्हें जानता है। तब एडन उससे कहता है कि उसका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है और वो इनकार कर देता है, लेकिन एला उसकी बातों को नहीं मानती। तब एडन एला को समझाने की कोशिश करता है कि उसने डॉक्टर एलिजाबेथ के सक्सेसफुल रिसर्च के बारे में सुना हुआ था और उसे लगता था कि वो एला की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है और साथ ही में उसके ब्रेस्ट कैंसर के डर को भी, क्योंकि एला की मदर जब एला की उम्र की थी तब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था और इस वजह से एला भी बहुत ही ज्यादा डरती थी कि कहीं वो भी उसकी शिकार न हो जाए। एला का दिल तब टूट जाता है क्योंकि एडन ने उसे झूठ बोला और वो एडन का प्लान था कि वो डॉक्टर एलिजाबेथ के थेरेपी को ले ताकि उसकी विशेष पूरी हो जाए। उसने अपने स्वार्थ के लिए एला की खुशियां तबाह कर दी
और अब शायद उसकी जिंदगी भी। और इतना सब कुछ सुनने के बाद एला तुरंत ही पहुंच जाती है डॉक्टर एलिजाबेथ के क्लिनिक पर और वो डॉक्टर से उसके बॉडी के अंदर से उस इम्प्लांट को निकालने के लिए बोलती है। तब डॉक्टर एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो इम्प्लांटेशन परमानेंट है और अगर उसे निकालने की कोशिश की गई तो एला की बॉडी डैमेज हो जाएगी, उसकी जान भी जा सकती है और वो उसे निकालने से इनकार कर देती है। डॉक्टर एलिजाबेथ एला को किसी तरह काम डाउन करने की कोशिश करती है और वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाती है। तब एला उसी के जैसे बहुत सारी खामोश और मासूम औरतों को देखते हैं जो कि डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रही होती हैं। एला गुस्से में एक पकड़ लेकर अपने इम्प्लांट को अपने हाथों से निकाल लेती है और उसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। और एला अकेले ही इसकी शिकार नहीं थी और उसके जैसे बहुत सारी औरतें भी इसका शिकार बन चुकी थी और वो सब उस मेडिकेशन और थेरेपी की वजह से हो रहा था जिसने उन्हें एक अलग इंसान बना दिया था जिसे एक बच्चा चाहिए था न कि उसे खुद को। और एला उस मेडिकेशन के बाद खुद की पसंद और टेस्ट भी भूल चुकी थी और वो एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो सोसाइटी की पसंद थी। लेकिन जैसे ही एला गुस्से में आकर एक पकड़ लेकर अपने इम्प्लांट को अपने हाथों से निकाल लेती है वैसे ही उसकी डल बेरंग दुनिया वापस से कलरफुल होने लगती है क्योंकि जब एला को अपने हस्बैंड की सच्चाई पता चली तब उसने उस डल बेरंग दुनिया में जीने से इनकार कर दिया और जब उसने अपने इम्प्लांट को अपने अंदर से निकाला उसकी दुनिया फिर से कलरफुल हो गई और उसके बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल दिखने लगा। और तभी क्लिनिक के बाहर पुलिस आकर पहुंच जाती है लेकिन एला वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और एला तब समझ नहीं पाती कि पुलिस उसका पीछा क्यों कर रही है। लेकिन तभी रास्ते में एला को एडन का फोन आता है जो एला को बताता है कि उसने देखा है कि एला ने अपने फादर के साथ में क्या किया है और इसलिए उसने पुलिस को बुलाया है ताकि वो एला को अरेस्ट कर सके। और तब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जब एला अपने फादर के साथ में होती है। एला के फादर एला को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए बोलते हैं बिना बच्चों के। तब एला को फिर से घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगती है और एला ने जब अपने पिता के मुंह से वो बात सुनी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसके पिता ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए, बिल्कुल उसके ग्रैंडफादर के क्लॉक की तरह जो उसकी नाकामयाबी को दर्शाता था क्योंकि उस मेडिकेशन ने उसके ऊपर इतना बड़ा प्रभाव डाला था कि वो बच्चे के लिए ना सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। एला उस आवाज को सुनकर इतनी ज्यादा पागल और उग्र हो जाती है कि वो अपने पिता को ही घड़ी समझकर जमीन पर गिरा देती है और जो उसने घड़ी को डिसमेंटल किया था वो असल में उसने अपने पिता के शरीर को ही बड़ी बेरहमी से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और ये सब करने के दौरान एला बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी और ये सब उन दवाइयों की वजह से हुआ था। एला ये सब कुछ जानने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो कार से बाहर आ जाती है जहाँ पर पुलिस खड़े हुए होते हैं और पुलिस उसके हाथ में हथकड़ी लगा देती है। लेकिन एला तभी पुलिस के चंगुल से बचकर भाग जाती है और वो ऊंचाइयों से लेक में कूद जाती है और इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद हमें समझ में आता है कि एला मर चुकी होगी और शायद एला की आत्मा अब अपने पिता के बारे में ही सोच रही थी कि किस तरह से उसने अपने पिता के साथ में बर्बरता की। और एला की जिंदगी में माँ बनने की इच्छा वरदान की तरह नहीं बल्कि श्राप की तरह आई और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।